स्वागत समारंभ सुद्धा करूया. संतोष भोईर, आदरणीय संतोष भोईर साहेबांचं आगमन झालंय आणि त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. द्रवेश भोईर यांच्या शुभ हस्ते मानाची शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय, सन्मानित केलं जात आहे, साहेबांना सन्मानित केलं जात आहे. मात्र सामनाला सुरुवात होत आहे. प्लीज प्ले असा इशारा लावता. चेंडूला चार्ज केलंय, चेंडू जातोय लॉंग ऑन पट्ट्यात, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चार धावांसाठी, दॅट्स अ फोर रन्स, क्रॅकिंग स्ट्रोक. बंदू आल्यानंतर लगेचच त्याच्या बॅट मधून या धावा येताना दिसत आहेत. मी विनंती करतोय जी सीमारेषा आहे त्या सीमारेषा आपण व्यवस्थित दाखवून घ्या आणि निश्चितच आपल्या खेळाडूं व्यतिरिक्त कुणी प्रेक्षक त्या सीमारेषेच्या आत नसावा या सूचना सुद्धा पंचांकडून दिल्या जात आहेत. अब संडी संडी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है और कहते ना कि गोली से डर नहीं लगता, कोहली से डर लगता है, उसी तरह से बंदू से भी बहुत डर लगता है. बिल्कुल. पुढचा चेंडू ऑन साइड ला, चेंडूला खेळलाय, चेंडू जातो डिक्लेरेशन झोन मध्ये. एकच धाव मिळेल, एक धावपेक्षा दुसरं काही मिळणार नाही. बंदू याचा जर रेकॉर्ड बघितला तर दोन रेकॉर्ड त्याच्या नावावर आहेत. दोन वेळा त्यांनी सहा चेंडू मध्ये सहा षटकार ठोकलेत. एक तर राजावळ येथील ती स्पर्धा मला आठवतोय ज्या स्पर्धेमध्ये नायगाव कोळीवाडा या संघाचा एक गोलंदाज जेपी याला सहा चेंडू मध्ये सहा षटकार 2014 साली ठोकलेले होते. त्याच्यानंतर नारंगी येथील मैदानावर 2016 मध्ये गंभीर या गोलंदाजाला गंभीर केलं होतं आणि सहा चेंडू मध्ये सहा षटकार त्याने ठोकलेले होते. हा खेळाडू मैदानाच्या आत, पंतांचा सुद्धा मैदानाच्या आतून इशारा आलाय वाईडचा आणि अतिरिक्त धाव मिळाली. या अतिरिक्त धावेळीची धावसंख्येत बदल झालाय. धावा झाल्या धाव फळकावर सहा. जितेश उर्फ बंधू मैदानाच्या आत बघायला मिळतोय. पॉवर प्लेचा फायदा उठवण्याचा प्रयास केला जातोय. लॉंग ऑन मध्ये एक क्षेत्ररक्षक, ओ ट्राय टू फ्लाइंग आउट फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयास केलाय. ऑफ स्टंपच्या लेग स्टंपच्या थोडासा बाहेर निघालाय फलंदाज आणि खेळाचा प्रयास होता त्याचा. चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडू, धाव संख्या स्थिर, धावा धावपळकर आहेत त्या सहा. पुन्हा बॅकफूट फ्रंट फूटला येऊन खेळून काढलाय. चेंडू गेलाय शॉर्ट पॉइंट मध्ये. एकच धाव, एक धावपेक्षा दुसरं काही मिळणार नाही. बंधू याच्या बरेचशा मोठे खेळ आपल्या समोर आले आहेत. जुचंद्र संघामधून जास्तीत जास्त अर्धशतक करणारा खेळाडू म्हणून त्याची वर्णी लागते. प्रशांतची देखील दोन्ही तरफ बहुत बडे खिलाडी, एक तरफ निलेश एक्सपिरियन्स कॅम्पन आहे, तकनिकी तौर पर स्ट्रॉंग खिलाडी है और दूसरी तरफ बंदूक की अगर बात करें तो कंसिस्टेंसी वाले खिलाड़ी है, पावर प्ले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और इनका बहुत बड़ा नाम है टेनिस जगत में. खूपच मोठे चांगले खेळाडू, दर्जाचे चांगल्या दर्जाचे खेळाडू बघायला मिळत आहेत. ओ हा चेंडू मिड ऑन आणि मिड ऑफ याच्या मधामध्ये झळ सुटलाय. तिसऱ्या अटम मध्ये सुद्धा झळ सुटलाय. एक धाव मिळाली सुदैवाने, विकेट्स वाचली ती निलेश याची, अन्यथा निलेशा वाच झाला असता. निलेश एक असा खेळाडू आहे ज्याने पहिल्याच चेंडूवर बराच वेळा षटकार ठोकण्याचा पराक्रम केलाय. तो खेळाडू आपल्याला नॉन स्ट्राईक इनकडे बघायला मिळत आहेत. खूप जीवनदान मिळतं पा. एका बाजूला स्माईल लगेचच आली सुनील भोईर सरांची. बिलकुल जसं जीवनदान मिळालंय निलेशाला. रिवर्स फटका खेळलाय मात्र एकच मिळेल. खोदा पहाड निकला चिव्हा. त्या एरियामध्ये तुम्ही किती मोठा फटका खेळला तरी फक्त एकच धाव मिळेल आणि एक धाव मिळाली. धावसंख्या पुढे सरकली, धावा धावपळकावर लागल्यात. बिनबाद 9, षटक संपते पहिलं. प्रथम फलंदाजी करताना टॉस हरल्यावर द ग्रेट मराठा जीवचंद्र संघाची धावसंख्या आहे धावपळकावर बिनबाद 9. प्रशांतजी संध्याकाळचं सत्र सुरू झालं, या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये ही सरासरी योग्य आहे काय? बिलकुल इससे बेहतर स्कोर हो सकता था मेरे हिसाब से, क्योंकि बंधु अभी भी बीच मैदान पर है लेकिन थोड़ा निराश किया. स्क्वेयर ऑफ द विकेट, अलग शॉट खेलने की कोशिश, कोई जरूरत नहीं थी शफल होकर खेलने की, कोई जरूरत नहीं थी. इनके पास क्षमता है कि वे फील्ड में भी खेल सकते हैं लेकिन ज़्यादा करने की कोशिश की. ये स्कोर मेरे हिसाब से 12 होना चाहिए था लेकिन 9 भी ठीक है, ऐसा नहीं कि 9 खराब है, लेकिन 12-13 स्कोर बन सकता था. थोड़ी खराब बल्लेबाजी तीन गेंदों में बहुत ही अच्छे सोच के साथ खेले, तीन गेंदों में थोड़ा खराब खेले है, इसीलिए गेंदबाज एक बार फिर वापस इस मैच में आया है. याचाच अर्थ मात्र गोलंदाजाने जरी आत्मविश्वास प्राप्त केला असला तरी अजूनही एकही विकेट्स गमावला नाही. तो द ग्रेट मराठा जीवचंद्र या संघाचा, हा त्या संघाचा प्लस पॉइंट आहे असं म्हणावं लागेल. आता पुन्हा नंबर 2 चा गोलंदाज गोलंदाजच्या मार्गावर आलाय अमोल आणि त्याला सामोरे जातोय उजव्याचा फलंदाज निलेश. क्षेत्ररक्षण आता फैलावलं जातंय. पॉवर प्लेचं जे बंधन होतं ते शिथिल केलं जातंय. चोहे बाजूने आपण बघू शकतायत या क्षेत्ररक्षकांना. तर गोलंदाज अमोल तयार.
हो पुन्हा बॅकफुटला निघून बाहेर निघून खेळायचा प्रयास केला होता. ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघणाऱ्या चंडूला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयास केला आणि त्याच्यामध्ये फलंदाज निलेश मात्र असफल झालाय. तो अगर देखिए तो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पहले ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, उसके बाद में थोड़ा लेग स्टंप की तरफ आए, तो ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, गेंद की तरफ जाना बहुत जरूरी है, थोड़ा गेंद से दूर खेल रहे, इसके कारण थोड़ी सी परेशानी हो रही है. पुढचा चंडू गोलंदाजाचा अवलियाचा सरळ बॅटने चंडूला खेळलाय स्ट्रेट टू द बॉलर. गोलंदाजाने ह्या चंडूला आपले फॉल थ्रू मध्ये अडवलाय आणि निलेश मात्रे वाजलाय. पहिला विकेटचं पतन, एक बाद धावा धावपळकावर आहेत आमचे स्कोरर सांगतायत त्या फक्त आणि फक्त 9 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट. एक स्थिती अशी होती पहिलं षटक संपलं त्यावेळेस बिनबाद 9 अशी धावसंख्या होती आणि आता मात्र दुसऱ्या षटकातील तो दुसऱ्या चंडूवर हा फलंदाज बाद झालाय. एक आपण बघूया कशा पद्धतीने हा विकेट्स मिळवलाय प्राप्त केलाय कारण एक मोठा अडथळा दूर केलाय. बिलकुल जिस तरह से ये 9 रन बनाए थे कि किस तरह से ये गेंद थी, एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, अमोल गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट स्टंप से करीब से और बहुत आगे रखा, स्ट्रेट खेले हैं लेकिन रन लेने की कोशिश कोई जरूरत नहीं थी, वापस आना चाहते थे लेकिन बहुत अच्छा थ्रो था अमोल का विकेट कीपर के 10-90. तो अमोल के लिए विकेट कीपर कर रहे हैं कि आपको यही गेंद इस तरह की गेंदबाजी करनी थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी. पुन्हा एकदा नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत येतोय निखिल. खरोखरच चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत झाली अरुण याच्या पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा गेल्यात. पहिल्या 2 चेंडूमध्ये जर बघितलं तर फक्त 5 धावा आले होते, त्याच्यानंतर ते 4 चेंडू अप्रतिम हाताळले गेले अरुण याच्याद्वारे आणि अमोल हा सुद्धा चांगली कामगिरी करतोय या सिरीजमध्ये असं म्हणायला काही हरकत नाही. अगोदरच्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी हाताळली होती अमोल यांनी. बिलकुल बॅटिंग लाईनअप लंबा आहे, बल्लेबाजों की अगर बात करें तो बहुत लंबा बॅटिंग लाईनअप है ग्रेट मराठा के पास. एक तर विनायक ज्याचा जो संघ नुकताच पराभूत झाला त्या संघाविरुद्ध भलं मोठं टार्गेट उभं केलं होतं क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या सोनू आई मरू आई बाळकुम संघाने. हो लेट कटचा फटका बघायला मिळालाय फलंदाज निखिल याच्याद्वारे. अंतिम क्षणी बॅटचं ब्लेड ओपन केलंय आणि चंडूला स्लीपर कव्हर क्षेत्रामध्ये ढकलून दिलंय. एकदा मिळाली एका धावणीचे धाव संख्येत बदल झालाय, धावा झाल्या 10 10. आता कुठे दुहेरीमध्ये प्रवेश झालाय याचाच अर्थ 9 चंडू मध्ये या 10 धावा आल्यात. बिलकुल वापसी होती हुई गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, खास करके तारीफ होनी चाहिए अमोल की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज लेकिन अब कॉन्टेस्ट बनेगी. पुढचा चंडू तयार राइट आर्म राउंड द विकेट समारा शॉर्ट ऑफ लेन बॅकवर्ड पॉइंट क्षेत्रामध्ये चंडूला ढकलून दिलंय आणि पंचांद्वारे पुन्हा डिक्लेरेशनचा इशारा आलाय. तुम्ही लेट कटचा जर फटका खेळला तर अर्थातच 1 किंवा 2 धाव मिळतील आणि तेच करतायत. एक तर खुलं खेळायला हवं, जे आपले आवडते फटके आहेत ते जर फलंदाजाने खेळले तर धावसंख्या वाढू शकेल. नैसर्गिक खेळ ज्याला म्हटलं जातं, क्रिकेटचा दर्जा फलंदाजीचा दर्जा जर उंचावायचा असेल तर चांगला चान्स बघायला मिळाला पाहिजे. रिव्हर्स करण्याचा प्रयास केलाय, चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाही, धाव घेण्याची कोणतीच संधी नाही. 5 चेंडूची समाप्ती, धावा धापळकावर लागल्यात त्या 1-11. खूपच कमी धावा धापळकावर येत आहेत, सरासरी घटली जाते. म्हणजे जसे थंडीमध्ये एखादा आपण एखाद्या व्यक्ती थंडावलं जातं तसं या ठिकाणी धावा सुद्धा थंडावल्या जात आहेत. देखिए सेंड स्टार्ट किया था वी में अब ज्यादा स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेल रहे, थोड़ा अगर ये बात देखे तो एक बार फिर गेंदबाज को मौका मिलता होगा. पुढचा चंडू डान्सिंग डाउन द ट्रॅक आलाय फलंदाज लॉन्ग ऑन मध्ये चंडूला खेळला, एक धाव मिळाली दुसऱ्या धावेसाठी वेगाने धावतायत, 2 धावा अंकित केल्या जात आहेत. स्कोरबोर्ड पुढे सरकलाय, आमचे स्कोरर जयवंत पाटील परत आल्यानंतर आम्हाला स्पष्ट दर्शवतायत. षटक 2 संपलेत, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 6.50 सरासरीने 13 धावा द ग्रेट मराठा जीवचंद्र या संघाच्या. जितेश याच्या खेळीचा जर आपण विचार केला स्कोरबोर्डवर आपल्याला स्पष्ट दिसतोय 6 चेंडूमध्ये एका चौकारण्याची 9 धावसंख्येवर तो खेळतोय. निलेश जो धावबादच्या रूपाने बाद झालाय, 5 चेंडूमध्ये 2 धावा केल्या आणि निखिल 7 देतोय, 1 चेंडू मध्ये 1 धावीवर तो खेळतोय आणि स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवलेली आहे निखिल यांनी. निखिल हा सुद्धा एक चांगला स्फोटक फलंदाज आहे, 2 षटकांमध्ये त्यांची स्फोटकता आपल्याला दिसेल काय हे ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोनवर मी आमंत्रित करतोय माझ्या साथी समालोचक मित्र प्रशांत आदवडे यांना. थँक्यू संडी, नमस्कार सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का एक बार फिर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. कुल मिलाकर रन संख्या अब 11 रन और इस बार 13 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर और मैच ये 11वां है. एक्स्ट्रा की अगर बात करें तो कुल मिलाकर एक एक्स्ट्रा है, ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं है लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पा रहे हैं. ज्यादा स्पेयर ऑफ द विकेट खेलने की जरूरत नहीं है, ये रणनीति है. इस विकेट पर आपको विम में ज्यादा खेलना है. हम कल से ये कह रहे हैं ज्यादा स्पेयर ऑफ द विकेट खेलेंगे तो एक बार फिर गेंदबाजों को मौका मिलेगा. वही बात इस मैच में बनी, रिवर्स स्वीप का 2 बार प्रयास किया गया
अब देखिए दूसरी गेंद पर निखिल क्या करेंगे, एक गेंद का सामना किया, एक के ऊपर खेल रहे हैं गणेश की इस ओवर की पहली गेंद, राइट अप ओवर द विकेट, हवा में गेंद डांसिंग डाउन द विकेट खेलना चाहते थे, गेंद पीछे जाती हुई और इसी तरह से एक रन का इजाफा होता हुआ। अभी भी देखिए गेंद के पिच तक नहीं पहुंच रहे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पहले ओवर में 9 रन बने उसके बाद में बहुत शानदार वापसी हुई है गेंदबाजों की, खरोखरच पावर प्ले मध्ये फक्त 9 धावा आल्या होत्या, त्याच्यानंतर अमोल यांनी अनमोल गोलंदाजी केली, एका षटकामध्ये एक फलंदाज धावबाद केला आणि 4 धावा दिल्या, त्याच्यानंतर हा गोलंदाज सुद्धा चांगली कामगिरी करतोय। बिलकुल एक बार फिर अपने पोरिक मान पर गणेश तैयार है, कमेंट बॉक्स एंड से गेंदबाजी करके बैकपोर्ट पर बैकपोर्ट पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद है, इस बार वाइड का इशारा जरूर होगा और सुंदर विकेट कीपिंग, एक रन का इजाफा वाइड का इशारा होता है, रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन। अभी भी देखिए कदम का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन शरीर से काफी दूर गेंद थी, इसी तरह से बहुत ही बढ़िया क्रिकेट बीच मैदान पर होते हुए भी अच्छा संघर्ष चल रहा है, जिंदगी छोटी हो चल सकती है लेकिन यादगार होनी चाहिए, पारी छोटी हो चल सकती है लेकिन शानदार होनी चाहिए, स्पेल छोटा हो चल सकता है लेकिन दमदार होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर बात बनेगी। अभी तो यहाँ गेंदबाजों का बोलबाला है, 15 रन एक विकेट के नुकसान पर, बैकवर्ड पॉइंट कवर है एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, यहाँ हवा में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद गति के साथ ट्रैवल होती भी और इसी तरह से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, ये अच्छा शॉट था बंधु का, सुंदर तरीके से खेला है, इसी तरह से ये चौका बहुत जरूरी था, मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड, वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड, 19 रन एक विकेट के नुकसान पर, जितेश पहुंचे 13 के ऊपर, 7 गेंदों का सामना किया है, बहुत खूबसूरत ये शॉट था, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर थोड़ा सा उछाल मिला था, बैकफुट पर चले गए, शरीर का संतुलन बनाया और गेंद को खेल दिया था एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई उसका फायदा जितेश को मिलता हुआ, 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर गणेश तैयार, राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ आ रहे, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, थ्रो आता हुआ लेकिन बहुत ही बढ़िया रनिंग विकेट, 2 रन मुकम्मल, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए सुंदर, इस बार जो कि फुल टॉस गेंद थी, ज्यादा मौका नहीं था खुलकर खेलने का, नरम हाथों से खेले, गेंद इस बार जाती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद था तेजी के साथ इस गेंद के ऊपर आए लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया था, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए एक चौका उसके बाद में 2 रन, ये है बेसिक क्रिकेट, इसको नहीं भूलना है, 21 रन एक विकेट के नुकसान पर। रनिंग बिटवीन द विकेट्स आपल्याला अतिशय चांगली बघायला मिळते, सातत्याने एकमेकांना कॉलिंग करतात आणि म्हणूनच तो फायदा झाला या संघाला। बिलकुल दुसरी ओवर में हमने ये नहीं देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था, कुल मिलाकर अपने बॉडी मार पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट अप ओवर द विकेट, इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद तेजी के साथ आते भी कवर की तरफ, हालांकि एक रन मिलेगा, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट तेजी के साथ, वो आता हुआ लेकिन 2 रन मुकम्मल, ये बेसिक क्रिकेट है, 4 रन बने थे उसके बाद में 2-2 रन मिलते हुए बल्ले के बीचों बीच तो गेंद नहीं आई थी लेकिन गैप में जाते भी इसका फायदा उठाया, तो अब थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाती हुई कुल मिलाकर रन संख्या 23 रन एक विकेट के नुकसान पर। मैं जानता हूं कि 4 ओवर का मैच है तो दे दना दन बल्लेबाजी भी चाहिए लेकिन बहुत देखिए गेंदबाज भी गेंदबाजी करने के लिए आया है तो ये भी अपना दमखम दिखाएगा, रन संख्या 23 रन एक विकेट के नुकसान पर, जितेश खेल रहे कुल मिलाकर 17 के ऊपर 9 गेंदों का सामना किया है, एक बार फिर अपनी बॉडी मार पता है, 2 चौके भी लगाए हैं बीच में, अब रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर होती हुई, इसके बाद में और एक ओवर है जिसमें कि आप गियर चेंज कर सकते हो क्योंकि बैंक बैलेंस की जरूरत है, बहुत बड़ा मुकाबला है, बैकवर्ड पॉइंट कवर पर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, राइट ऑफ ओवर द विकेट, इस बार उठा कर खेले है, हवा में गेंद, इनके अगर रडार में गेंद आएगी तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, लंबा छक्का आउट ऑफ द पार्क, सीधी गेंद इस बार कमेंट्री बॉक्स की तरफ आती हुई, इसीलिए मैंने कहा कि ये रुक कर खेलेंगे, सीधे खेलेंगे तो बात बन जाएगी, दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, नो डाउट अतिशय चांगला फटका, आउट ऑफ द ग्राउंड असं म्हणायला काही हरकत नाही, कारण यापूर्वी आपण बघितलं युवराज सिंग 22 सप्टेंबर 2007 साली टी ट्वेंटी क्रिकेटमध्ये युवराज सिंग या फलंदाजाने ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध एक जो चंडू मारलेला होता तो आउट ऑफ ग्राउंड होता, त्याच्यानंतर 1898 साली अल्बर्ट ट्रूट्स या फलंदाजाने आउट ऑफ ग्राउंड एक षटकार ठोकलेला होता, जोसेफ डार्लिंग हा एक इंग्लंडचा खेलाडू मला आठवला, फिर अपनी बॉडी पर गणेश तैयार, राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये मौका हेलीकॉप्टर, अब देखिए ये निकल के आए हैं, बहुत ही बढ़िया, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, खतरा बन सकता है, तेजी के साथ भागना होगा, भाग मिल का भाग, लेकिन अंपायर की तरफ से इशारा देखेंगे, अंपायर ने कहा अभी तक कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब क्या ये है अंदर या बाहर, देखने वाली बात अंदर है, कोई नुकसान नहीं है, अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, नॉट आउट कहा है, कुल मिलाकर रन संख्या अब देखिए इस ओवर में
बहुत ही बढ़िया क्रिकेट होती है, शानदार क्रिकेट जीते इस द्वारा रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया हुई है। ओवर की अगर बात करें तो ये ओवर अभी भी देखिए चलता हुआ, बहुत महंगा ओवर है, ओवर यहाँ समाप्त होता हुआ 31 कुल मिलाकर रन संख्या 31 रन, एक विकेट का नुकसान, मतलब सैंडी दूसरे विकेट के लिए एक बहुत ही सुलझी हुई पारी है, दिमाग की बत्ती को जलाया है, अब भी के बड़े शॉट के लिए भी जा रहे हैं, 31 रन दो विकेट के नुकसान पर 31 धावा धावफळ कवर समजले, मात्र वेळ वेळेकडे आपण बघा, टाइम इज मनी, घड्याळाचा काटा कोणासाठी थांबत नाही मित्रांनो, या करता आपलं सहकार्य महत्वाचं आहे, ते सहकार्य करा। षटक संपतात 3 षटकांच्या सरासरी 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 10.33 च्या सरासरीने 31 धावा धावफळ कवर समजले, गडी वाजले ते 2 धावा धावफळ कवर 31 धावाच्या रूपाने या इनिंग मधला हा दुसरा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा जर विचार केला तर 21 जून 1975 साली वेस्ट इंडीज आणि ऑस्ट्रेलिया या दोघांमध्ये वर्ल्ड सिरीजचा एक सामना झाला होता, ज्याच्यामध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाचे 5 फलंदाज एका इनिंग मध्ये बाद झाले होते, आणि या ठिकाणी द ग्रेट मराठा जीवचंद्र संघाचे 2 फलंदाज एका इनिंग मध्ये बाद होताना दिसतात। बिल्कुल एक बार फिर अपने बोलिंग मार्ग पर अब गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे जितेश हितेंद्र, एक बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, दे दनादन बल्लेबाजी करते हैं, बहुत बड़ा नाम है इस टेनिस जगत में, और कुल मिलाकर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर, एक गेंद पर मेरे हिसाब से जितेश के लिए मौका मिला लेकिन दूसरी गेंद पर बल्लेबाज रन आउट के रूप में आउट हुआ है, तो यहां से भागने की जरूरत नहीं थी लेकिन अब उनको थोड़ी जल्दी थी पवेलियन में जाने की। एक बार फिर अपनी बॉडी मार पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राइट ऑफ द विकेट, यहां खेलना चाहते थे ऑन साइड पर गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ की तरफ और एक ही रन मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जितेश को ज्यादा से ज्यादा मौका इस पारी में मिलेगा तो फायदा होगा, रन संख्या 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निश्चितच मात्र हितेंद्र हा डावर हाताचा फलंदाज सुद्धा मैदानाच्या बाहेर चंडोला नेऊ शकतो, एक चांगला फलंदाज आहे, त्याच्यामध्ये क्षमता आहे, कारण बऱ्याच मॅन ऑफ द सिरीज मॅन ऑफ द मॅच उत्कृष्ट गोलंदाज फलंदाज या ट्रॉफीज त्याने पटकावले। बिल्कुल इनके पास भी क्षमता है लेकिन सेट बल्लेबाज है मेरे हिसाब से जितेश, जो सेट बल्लेबाज है वो सबसे बड़ा होता है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जितेश को मौका मिलना चाहिए। एक तरफ गेंदबाजों की बात है, जितेश है वो भी खतरनाक है, एक तरफ जितेश भी और जितेश दो बल्लेबाजों की, अगर दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज की बात करें तो दोनों के पास क्षमता है। अब गेंदबाजी करने के लिए जितेश भी तैयार, सामना करेंगे जितेश जो कि 25 के ऊपर खेल रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किया है, बैकवर्ड पॉइंट कवर है, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ है, ऑफ साइड पर देखिए अब 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है। आज का जो माहौल है वातावरण इतने अच्छा नहीं है लेकिन खेल के लिए अब बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए बहुत अच्छा माहौल बनता हुआ। इस ओवर के अगले गेंद राइट ऑफ द विकेट, ये गेंद हवा में खेल जाएगी, इत्यादि के साथ ट्रबल खिलाड़ी मौजूद है, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहेंगे, बहुत ही बढ़िया रनिंग विकेट 2 रन मुकम्मल। धीरे धीरे जो कि ये बल्लेबाज रंग में आ रहे हैं, 12 गेंदों में 27 रन 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर और ये चौथा ओवर प्रगति पर है, ये जो खिलाड़ी है बहुत महत्वपूर्ण है इस मैच में मेरे हिसाब से जितेश। आता कुठे धावांचा आलेख आपल्याला वाढताना दिसतोय, पहिल्या 2 षटकांमध्ये तो कमी होता। बिल्कुल एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए जितेश भी तैयार, ये गेंद बहुत ही बढ़िया थी ऑन साइड पर खेलने की कोशिश लेकिन गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ यहां जाती हुई, लेकिन देखिए ये बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर इन पर आता हुआ 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर जितेश पहुंचे कुल मिलाकर अपने 28 के ऊपर 35 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर, यह चौथा ओवर प्रगति, अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष है इस ओवर में और मौका मिलेगा लेफ्ट हैंडर हितेंद्र के लिए, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है मैं जानता हूं लेकिन एक गेंद पर जितेश भी जो है बहुत ही बढ़िया सदी भी गेंदबाजी करे, यहां स्लॉग ओवर है और नब्बी तुली गेंदबाजी करते हुए अपने बॉडी मार पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकलती हुई और अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा अजीत मात्रे हमारे ऑफिशियल, और इसी तरह से रन संख्या 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और सैंडी मुझे लग रहा है कि लेफ्ट हैंडर को ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन दिशा से भटकते हुए। बिल्कुल एक बार फिर अपने बॉडी मार पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार जितेश, यहां ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश अभी तक देखिए, अगर इसीलिए मैंने कहा था कि जितेश को ही मौका मिलना चाहिए, सेट बल्लेबाज है, नया बल्लेबाज होता है, फुटवर्क अच्छा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा जो कि वक्त लगता है किसी भी खेल में, तो जो कि अगर इस तरह से विराट कोहली जैसे बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज पैवेलियन से सेट होकर आते हैं
यहां भी जितेंद्र को पैवेलियन से सेट होकर आना होगा। अब जाके थोड़ा स्ट्रगल करते इस क्योंकि दो गेंदों पर जो दो गेंदों इन्होंने खेली है साजो की मौका मिलता हुआ खास करके गेंदबाज को। एक बार फिर अपने पोडिक मार पर गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद एक बार फिर उठा कर खेले गेंद ऑन साइड पर जाते हुए यहां भागने की जरूरत नहीं है पक्का 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 ये लगा शानदार छक्का। अभी क्या कहना चाहेंगे प्रशांत जी? बिल्कुल देखिए इनके पास थोड़ा वक्त लिया दो गेंदे गए उसके बाद में छक्का आया है लेकिन बहुत ही बढ़िया क्षमता क्षमता बहुत है ऐसा नहीं कि क्षमता नहीं है लेकिन थोड़ा सा वक्त इस खेल में लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बंदूक की ओर अगर देखे जाए तो वो थक चुके थोड़ा सा टायर्ड हो चुके हैं बिल्कुल लेकिन फिर भी बहुत बड़ी क्या है जो क्रिकेट खेल सकते हैं इनके पास लंबी पारी खेलने का अनुभव है। रन संख्या 42 रन अब देखिए स्कोर बेहतर होता हुआ एक ओवर में लग रहा था कि रन ही बन रहे थे तीसरे ओवर में एक बार फिर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और इस ओवर में जो छक्का आया है उससे और स्कोर जो कि बेहतर बनता हुआ गेंदबाजी करने का एक बार फिर जीते सामने है हितेंद्र। इस ओवर की अगली गेंद कमेंटेटर बॉक्स से गेंदबाजी करेंगे राइट ऑफ द विकेट ऑफ स्टंप के काफी बाहर काफी बाहर पहले से बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर खड़े हैं और इसके बाद अगर देखिए तो ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं और एक्सरसाइज करने का मौका हम पर को मिलता हुआ शाम का वक्त है। रन संख्या कुल मिलाकर अब 43 रन दो विकेट के नुकसान पर एक बार फिर जीते गेंदबाजी करने के लिए तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश एक रन पूरा किया दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं लेकिन क्या खतरा होगा देखने वाली बात है लेकिन दो रन मुकम्मल विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए गेंदों की अगर बात करें तो ये कुल मिलाकर चार ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ रन संख्या 45 रन जीतने के लिए यहां से 40 रनों की जरूरत है। बहुत ही अच्छा स्टार्ट बल्लेबाज जीते इसके लिए जिन्होंने 28 रन बनाए 13 गेंदों का सामना किया। नीलेश ने 5 गेंदों का सामना किया 2 रन बनाए निखिल ने 2 रन बनाए हितेंद्र ने 4 गेंदों में 1 छक्के की मदद से 9 रन बनाए बहुत अच्छी पारी रही जीतेश की। इसके बाद में अब देखते हैं गेंदबाजों का बोलबाला अरुण एक ओवर में महंगे साबित हुए 9 रन बना दिए। अबुल की अगर बात करें तो इन्होंने 4 रन दिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की दूसरे ओवर में। गणेश के एक ओवर में मेला लूटा बल्लेबाजों ने 8 रन जो कि खर्च किए और जीतेश की अगर बात करें तो एक ओवर में 14 रन दिए। तो इसी तरह से पहला तीसरा और चौथा ओवर महंगा साबित हुआ। अमोल ने बहुत ही सुंदर शानदार गेंदबाजी की अगर यहां से सफल गेंदबाज की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से अमोल ने विकेट तो नहीं लिया लेकिन नपी तुली गेंदबाजी की एक ओवर 4 रन और कोई सफलता नहीं है। इसी तरह से अब जैकी सैंडी 45 रन बने हैं 46 का टारगेट है बहुत बेहतर अच्छा खेले है बल्लेबाज। अब क्या गेंद दूसरी तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाजों का यहां एक बार फिर बोलबाला होगा देखने वाली बात है। निश्चित 11.50 सरासरीने आता दुसऱ्या डावामध्ये या 46 धावा पूर्ण करायच्या आहेत आणि याकरता मात्र गोलंदाजी चांगली करावी लागेल जर सामना जिंकायचा असेल तर ग्रेट मराठा जोचंद्र या संघाला तर गोलंदाजी चांगली करावी लागेल। एका बाजूला सोनू आई मरू आई बाळकुम संघाची फलंदाजी आपण बघितली की चांगले फलंदाजाचे सलामीला येऊन धावा बनवत आहेत पार्टनरशिप मोस्ट पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी चांगली भागीदारी आपण बघितली होती ती म्हणजेच सोनू आई मरू आई बाळकुम संघाची म्हणजेच बाळकुम संघाला सुद्धा नाकारता येणार नाही बाळकुम संघ एक मजबूत संघ आहे। बिल्कुल आपने सही कहा लेकिन इस वक्त गेंदबाजों का भी बोलबाला हो सकता है एक तरफ दूसरी तरफ बल्लेबाज देखिए बल्ले बल्ले करने का मौका दे सकते हैं। हम अच्छी कॉन्टेस्ट देखना चाहते हैं संघर्ष देखना चाहते हैं अगर एक टीम ने 45 रन बनाए हैं तो दूसरी तरफ से जवाबी हमला होना चाहिए तभी जाकर मजा आएगा और मुकाबला एक तरफा नहीं होना चाहिए दोनों तरफ होना चाहिए तब जाकर मजा आएगा। पैसा वसूल क्रिकेट अगर देखेंगे तो मजा आएगा। अब एक तरफ जो कि गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए और दूसरी तरफ बल्लेबाज भी बीच मैदान बल्लेबाज प्लीज मैदान की तरफ आपको आना होगा समय ना गवाए प्लीज सेंड योर ओपनिंग पेयर। प्रशांत जी निश्चितच आता उद्याच्या दिवसाच्या शेड्यूल कडे आपण नजर टाकूया उद्याच्या दिवसामध्ये पहिली लढत या मैदानावर कदाचित बघायला मिळेल ती जेम्स बॉन्ड राई विरुद्ध पोस्ट मात्रा भाईंदरपाडा म्हणजेच आयोजक या ठिकाणी खेळताना दिसतील। दुसरी लढत असेल MCC मधुवाई क्रिकेट क्लब कासारवडवली विरुद्ध राबाडा आय थिंक साऊथ आफ्रिकाचं एक आहे नाही राबाडा या संघाचं नाव आहे राबाडा नवी मुंबई येथील एक संघ दाखल होणार आहे कुणाल स्पोर्ट्स वाघुळी व बाय फ्रेम दिवे या दोघांमध्ये एक लढत असेल नरे स्पोर्ट्स कासार वडवली व झुंजार स्पोर्ट्स कोळशेत या संघामध्ये चौथा सामना असेल। हा आपण शेड्यूल्स बघितला आहे उद्याच्या दिवसामध्ये याचाच अर्थ उद्याच्या दिवसामध्ये सुद्धा षटकार आणि चौकारांची आतषबाजी बघायला मिळेल। दुसरी बात कल खेल जो है जल्दी शुरू होगा क्योंकि संडे का दिन है इतवार का दिन है मटन मच्छी का दिन रहेगा खाने पीने का दिन रहेगा और कल ग्रैंड फिनाले भी रहेगा तो कल का स्टार्ट जो है बहुत
जल्दी होगा, सही समय पर होगा। मैं विनती करूंगा सभी खिलाड़ियों को कि आप जल्दी आइए, अच्छा खेल कीजिए और ज्यादा ज्यादा फाइनल का मैच है, बड़े ओवर का होना चाहिए जिससे मजा आएगा। प्राइस बड़ा है, 50,000 का है, तो अगर ये एक ओवर में समाप्त होगा तो मजा नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा 5-6 ओवर होंगे तो मजा आएगा। इसलिए मैं विनती करूंगा कि प्लीज आप जल्दी आइए। कल अगर 9 बजे भी मैच शुरू होगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सुनील जी भी हैं हमारे साथ, वो भी कमेंट्री करेंगे। तो इसी तरह से बीच मैदान पर मुकाबला जारी है, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। तो इसी तरह से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए, रन रेट की अगर बात करें तो रिक्वायर रन रेट 11.5 का है, तो बहुत बड़ा रन रेट है। और इसको अगर तय जो कि इसको छूना भी है तो आपको बेहतर स्टार्ट करना पड़ेगा। 44 गेंदे, हालांकि 24 गेंदे और 46 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए। धन्यवाद प्रशांत जी, पुनः एकदम सर्व मान्यवर खिलाड़ियों से प्रेक्षक स्वागत करते पुरुष मात्र भाईंदरपणा आयोजित हे टूर्नामेंट्स मध्ये कला सोशी नारायण भोईर अन्ना चषक 2017 भव्य क्रिकेटचा महासंग्राम आपण बघतोय। दुसऱ्या डावाला सुरुवात होतोय, चालू असलेला सामना द ग्रेट मराठा जीवचंद्र विरुद्ध सोनुआई मरुआई बाळकुम या दोघांमध्ये पाहायला मिळतोय। जिंकण्यासाठी 46 धावांचं लक्ष, सलामीवीर मैदानाच्या अरुण हा स्ट्राईक इन कडे इनसाइड आउट करून चंडूला शरीरापासून दूर ढकलून देण्याचा प्रयास केलाय। धावपळीची संधी होती, अपील जोरदार केलाय, मात्र सुरक्षितरित्या पॉपिंग क्रीज मध्ये नॉन स्ट्राइक इनच्या क्रीज मध्ये पोहोचलाय असं मला वाटतंय। पंचांकडून कुठलीच प्रतिक्रिया नाही, दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला क्षेत्ररक्षकाने, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं या चंडूवर। बिल्कुल, दो बातें हैं, एक शॉट सॉफ्ट हैंड से केला, दूसरी बात रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया थी, तीसरी बात फील्डिंग, तो बहुत अच्छी क्रिकेट बीच मैदान पर होती है, और चौथी बात अंपायरिंग। ये चारों बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, बहुत अच्छी क्रिकेट देखने का मौका मिला। 11.5 अत्यावश्यक धावगति ने धावा बनवायचा आहे, आता इनसाइड आउट करून चंडूला खेळलाय, चंडू जातो बॅकवर्ड पॉइंट मधून गली क्षेत्राच्या दिशेने, एकच धाव, एक धावपेक्षा दुसरं काही मिळणार नाही। सरासरी जी हवी आहे ती 11.5 ची, आणि प्रशांत जी पहिल्या 2 चंडूवर फक्त 2 धावा येतात, याचाच अर्थ गोलंदाजीचा मारा आता चांगला मजबूत बनलाय द ग्रेट मराठा जीवचंद्र या संघाचा। पुढील चंडू हितुंद्री याचा, गुडलाईन क्षेत्रामध्ये चंडू टाकलाय, बाउन जास्त झालाय असं वाटलं होतं की चंडूला वळण मिळेल, फिरकी मिळेल, मात्र चंडू फिरला नाही आणि मधल्या एसटीवरून यष्टीरक्षक मोहन पाटील यांच्या हातामध्ये जाऊन तो विसावलाय। धाव संख्येत काही बदल नाही, धावा धावपळकर फक्त 2 आहेत। चांगली गोलंदाजी गोलंदाज हितेंद्र याची, पती या नावाने जास्त प्रसिद्धी या खेळाडूला मिळाले। 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये आपण बघू शकताय, मिड ऑन मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्कोअर लेग। ओ आता मात्र या चेंडूला पुल केलाय, चंडू स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये अडवण्यामध्ये सफल ठरलाय क्षेत्ररक्षक। 2 धावा रोखल्या जात नाही, 2 धाव मिळत आहेत, 2 धावांशी धाव संख्येत बदल झालाय, धावा झाले ते 4, 4 रन्स ऑन द बोर्ड, धाव गती वाढवावी लागेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला। आणि हा स्टार्ट अरुण आणि भावेश यांनी अगोदरच्या सामन्यामध्ये, अगोदरचा जो दुसऱ्या फेरीतील सामना केला, पहिल्या फेरीतील सामना केला, त्या पहिल्या फेरीतील सामन्यामध्ये हा स्टार्ट बघायला मिळाला होता। पुढचा चंडू इनसाइड आउट करून खेळायचा प्रयास केल्यानंतर बॅटचं एज लागतंय, चंडू शॉर्ट थर्ड मॅन मध्ये, एकच धाव, डिक्लेरेशनचा इशारा, एक धावपेक्षा दुसरं काही मिळत नाही। एका धावपेक्षा पुन्हा स्कोरबोर्ड कडे नजर टाकूया, धावा होत आहेत त्या 5 चंडूच्या समाप्तीनंतर, याचाच अर्थ गोलंदाजी चांगली होताना दिसतोय या षटकामध्ये। प्रथम चंडू इनसाइड आउट करून 30 यार्ड सर्कलच्या वरून खेळण्याचा प्रयास केलाय, चंडू हवेमध्ये, दीपेशच्या हातामध्ये, दीपेश कोणती चूक करत नाही, उंची जास्त गाठली चंडूने आणि लांबी कमी, फलंदाज झालाय पहिला बाद सोनुआई मरुआई बाळकुम संघाचा। 1 man down ऑन द स्कोर इज 5 after 1 over। क्या कमाल की गेंदबाजी, पहला ओवर है जिसमें कि पावर प्ले है, बल्लेबाज दिनानंदन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अनुशासन के साथ किस तरह से गेंदबाजी करनी है, ये आर्ट, ये कला हितेंद्र के पास थी। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, ज्यादा आगे नहीं रखा, और बल्लेबाज मेरे हिसाब से शुरू के 2-3 गेंदों की अगर बात करें तो ज्यादा बैकफुट पर खेले, उसके बाद में कदमों का इस्तेमाल करने की जब कोशिश की तब एक बार फिर हितेंद्र का मैजिक हमने देखा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और पावर प्ले में किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए ये हितेंद्र ने दिखाया इस ओवर में। मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा तसंच झालं होतं द ग्रेट मराठा जीवचंद्र संघाद्वारे,
बघा अप्रतिम झळ टिपला आहे एक साइड स्क्रीन वर बघितलं तर टिप्पेश आणि शेवटपर्यंत संतुलन त्याने गमावलं नाही आणि अप्रतिम झळ टिपला आहे ही एक महत्त्वाचं आहे. फिटनेस किती महत्त्वाचा असतो क्रिकेटमध्ये अजूनपर्यंत जर आपण बघितलं तर बऱ्याच वर्षापासून हा क्रिकेटपटू खेळतोय आणि चांगला फिटनेस बघायला मिळाला आहे टिप्पेश याचा. बिलकुल दुसरी बात देखे आगे जाकर आपको कॅच लेना है तो आसान बात है लेकिन पीछे जाना है तो वो बात कठिन होती है. तो इतना कठिन नहीं था लेकिन बेहतर उनका जो शरीर का संतुलन था वो बना के रखा और बहुत ही बढ़िया अच्छा कैच. पहले विकेट का पतन रन संख्या कुल मिलाकर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. यहां से 46 रन चाहिए मतलब अभी भी 41 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए. हाँ आता मात्र जो अत्यावश्यक धावगति है ती आता धावगति वाढताना दिसेल कारण उर्वरित 18 चेंडूंमध्ये जिंकण्यासाठी 41 धावांची आवश्यकता असेल. 18 बॉल रिमेनिंग अँड 14 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. 18 चेंडू 41 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी सोनूआई मरुआई बाळकुम या संघाला आणि ह्यासाठी आता चांगले फलंदाजी करावी लागेल मोठे फटके खेळावे लागतील. स्ट्राईक इनकडे उजव्या हाताचा फलंदाज पाहायला मिळतोय. प्रितेश इज ऑन स्ट्राईक. प्रथमतः सामोरे जातो हा फलंदाज प्रितेश. भावेश खेळतोय 4 वर 3 चेंडूचा सामना केल्यानंतर गोलंदाज कुणाल तयार. लेफ्ट आर्मचा मारा ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर साइड स्क्रीन वर स्पष्टरित्या आपण पाहू शकतायत आणि म्हणूनच पंचाजित मात्र सरांचा वाईडचा इशारा आलाय. अतिरिक्त धावेची नोंद. धावसंख्या पुढे सरकते. धावा झाल्या त्या 6. 1-1 धाव या ठिकाणी मिळताना दिसते. मोठं फटके येणं गरजेचं आहे सध्या तरी तसं काही होताना दिसत नाही. पुन्हा एकदा फलंदाज तयार गोलंदाज तयार कुणाल एक अप्रतिम खेळाडू टेनिस विश्वातील. अफील जोरदार केलाय चंडू फ्लाइट जास्त होती पायावर चंडू आदळलाय मात्र लेग स्टंप सोडून जाणारा चंडू होता म्हणूनच पंचांद्वारे लेग बाईचा इशारा आला. दरम्यान एक धाव पूर्ण केली होती आणि ह्याच कारणाने हा लेग बाईचा इशारा आपल्याला येताना दिसलाय. एका धावेची धाव संख्या पुढे सरकली. धावा झाल्या तर 7. खूपच संतगतीने ही सुरुवात म्हणावी लागेल. बिल्कुल सैंडी मेरे हिसाब से जो शॉर्ट सिलेक्शन उसमें खराबी अभी भी देखिए ये गेंद मिडल और लेफ्ट स्टंप पर थी अपनी जगह खड़े थे ज़्यादा इस बार आगे नहीं आए गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे. खड़े खड़े आप शॉट नहीं खेल सकते चाहे क्रिकेट ये टेनिस का क्रिकेट हो चाहे लेदर का क्रिकेट हो गेंद के ऊपर आकर आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. अब थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजी के ऊपर जाता होगा. अगोदरच्या सामन्यामध्ये जो फिटनेस होता जो तालमेल होता फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा तो तालमेल मला दिसत नाही. आता खडे खडे खेळलेला आहे चंडूला. चंडू लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक निखिल याच्या हातामध्ये विसावला जातोय आणि दुसऱ्या विकेटचा पतन झालाय. 2 बाद 10 धावपळकर 7 वर झालाय घात. बिल्कुल आपने सही कहा यहाँ देखिए और एक विकेट गिरता हुआ ये विकेट गिरने का सिलसिला अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरे हिसाब से बहुत दबाव आएगा. 7-2 और बहुत खराब यहाँ बल्लेबाजी. देखिए किस तरह से गेंद थी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं आगे रखा अच्छा शॉट था लेकिन फ्लैट चला गया और सीधी देखिए गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में जो खिलाड़ी है इनके हाथ में जाते. अगर ये थोड़ा बॉटम एंड का इस्तेमाल होता तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जाती लेकिन कहना आसान करना बहुत कठिन है. अरे फ्रंट फुटला जरी फलंदाज आला असता तर ऑन साइडला त्याला खेळता आलं असतं जसं चंडू मी बघितला त्या चंडूनुसार निश्चितच मात्र तसं काही घडलं नाही आणि हा फलंदाज वास झालाय. 2 विकेट्स गमावल्यात सोनूआई मरुआई बाळकुम संघाने. धावा धावपळकर 7. नवीन फलंदाज खेळण्यासाठी आलाय अमोल. अमोल गोलंदाजीमध्ये अनमोल कामगिरी करून गेला होता आता फलंदाजीमध्ये त्याला अनमोल कामगिरी करावी लागेल. बिलकुल आपने सही कहा की अब मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज है अमोल है उनको अनमोल बनना होगा और संकट मोचक की जरूरत है इस मैच में. अजून 39 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. शॉट ऑफ लेन ट्रीटमेंट देता आली नाही फलंदाजाला. अगोदरच मॅनातून तलवार काढली वार काय होताना दिसलं नाही बाउंस जास्त मिळालाय आणि त्याचा फायदा गोलंदाजाला कुणाल याला झालाय. धावसंख्येत काही बदल नाही. धावा धावपळकर 2 गडी बाद फक्त 7. That's the beautiful delivery. Again pitching up and middle stump lying and swinging away from the batsman. Look, the batsman looking for the big shot onto the onside. Beating completely and there can be no run. That's the very good line from the bowler. पुढचा चेंडू कुणाल याचा. आता फुल टॉस चेंडू दिलाय. चेंडू लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार बिगी. खूपच सुंदर असा टोळा होता फलंदाजाचा. 7 धाव प्राप्त झालेत. 1 षटक आणि 4 चेंडूची समाप्ती. 10 धावपळकर आता झाल्यात. 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. बिल्कुल ये बहुत अच्छा शॉट था तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी. इस छक्के से थोड़ा मोमेंटम मिलेगा बल्लेबाजों को. हाँ निश्चितच मात्र जी धावगती है ती धावगती तरी सुद्धा वाढलेली दिसते. 13 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि 13 चेंडूमध्ये 33 धावांची गरज.
ओ ऑस्टमच्या खूपच बाहेरचा चंडू पंचांद्वारे वाईड घोषित केला जातोय. पंच आपले दोन्ही पंख खुले करतायत आणि त्यांचा इशारा आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. स्कोर मूव्स ऑन 14. धावा धावपळकर होतात 14. अजूनही दोन चंडू या षटकामध्ये, दोन चंडू शिल्लक आहेत, माफ करा, दोन चंडू शिल्लक आहेत या षटकात. धावा धावपळकर 14. याचाच अर्थ ज्या धावा हव्या आहेत त्या 32 धावा हव्या आहेत. 14 चेंडू आणि 14 चेंडू मध्ये 32 धावांची गरज. 14 बॉल रिमेनिंग अँड 32 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. फुलटॉस करून चेंडूला खेळलाय, चेंडू मिड विकेट पट्ट्या, क्षेत्ररक्षक कोणतीच चूक करत नाही आणि आणखीन एक फलंदाज बाद, तिसरा विकेटचं पतन, 3 बाद, धावा धावपळकर 14. आता मात्र पकड मजबूत केलेली आहे द ग्रेट मराठा जूचंद्र या संघाने. महत्वपूर्ण फलंदाज बाद झालेत. बिल्कुल संडे एक बार फिर ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, हमला करने का प्रयास और शिकार बनकर मैदान से बाहर जा रहे हैं. देखिए किस तरह से गेंद थी, एक बार फिर कुणाल गेंदबाजी करने के तैयार, लेफ्ट टॉप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. फुल टॉस थी, ताकत लगा के इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र की तरफ खेलना चाहते थे, बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन सीधी गेंद हाथ में जाती हुई, कोई गलती नहीं इस एरिया में, बहुत अच्छा कैच यहाँ लपका है. अरे बैकलिफ्ट जो खांदे है तो खांद्याचा वापर सुद्धा नंतर केला गेलाय, त्याच कारणाने फटक्यामध्ये जोर मिळाला नाही या खेळाडूला, अन्यथा चंडू मिड विकेट पट्ट्याबाहेर निघून गेला असता. लेकिन गेंद तो डीप होती, नीचे गिर रही थी, उसको उठाने की कोशिश की थी और बैट मौका था, लेकिन ऑन साइड पर हमने देखा जब जब बल्लेबाजों ने बड़ी शॉट लगाने की कोशिश की है तब तब विकेट भी गिरा है, तो इसी तरह से बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ कुणाल के लिए. गेंदबाजी में अब परिवर्तन और नहीं हुआ है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज कुणाल तैयार. अजूनही एक चंडू शिल्लक आहे, धावा धावपळकर आहेत त्या 14, गडीबाज झाले ते 3 या षटकातील आता शेवटचा चंडू. शॉर्ट ऑफ लाइन पुल अँड पॉवरफुल, दॅट्स अ ट्रीटमेंट, बिगी षटकार. प्रशांत जी हा अखूल टप्प्याचा चंडू दिलाय आणि अखूल टप्प्याचा चंडू खेळण्यासाठी संतुलन बनवण्याची वेळ मिळते आणि त्या वेळेचा पुरेपूर फायदा घेतलाय. बिल्कुल, ये खराब गेंद थी जो कि पहली गेंद बहुत आगे रखी थी, इस बार गुंडे स्पॉट पर टप्पा खेलाना चाहते, बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बात नहीं बनी. बहुत अच्छा शॉट, अगर पहली गेंद को आप छक्का खेल रहे तो मैच में थोड़ी सी वापसी हो रही है. कुल मिलाकर रन संख्या अब देखिए, धावा धावपळकर झाले दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 20 धावा, 20 रन्स ऑन द बोर्ड आफ्टर 2 ओव्हर. 12 चेंडू आणि 12 चेंडूंमध्ये जिंकण्यासाठी 13 सरासरीने 26 धावांची गरज. एक नजर आपण स्कोर बोर्ड कडे टाकूया. निश्चितच सध्या आपण बघतोय जे विचार करण्यासाठी टीम मीटिंग घेतली जाते, स्कोर बोर्डवर नजर टाकूया. अरुण आणि भविष्य यांनी डावाची सुरुवात केली, पहिल्या विकेटसाठी ते भागीदारी करू शकले नाही. अरुण 3 चेंडूचा सामना करून 1 धाव केली, तो बाद झालाय. भावी सुद्धा बाद झालाय, 4 चेंडूमध्ये 4 धावा केल्या आहेत. मात्र प्रितेश याच्यावर सर्व काही निर्भर असेल, कारण स्ट्राईक रेट त्याचा आपल्याला जास्त वाटतोय. बघूया 12 चेंडूमध्ये ज्या 26 धावा आवश्यक आहेत त्या पूर्ण केल्या जातील काय, हा प्रश्न आमच्या प्रेक्षकांना पडलाय, हा प्रश्न सपोर्टर जे आहेत, जे साथीदार आहेत त्यांना पडलाय. मात्र याचं उत्तर आपण शोधण्यासाठी जाऊया आमच्या साथी समालोचक मित्र प्रशांत आठवडे, जे राष्ट्रभाषेमध्ये पुढील समालोचन ऐकवतील. थैंक यू संडी, नमस्कार सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का, एक बार फिर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सबर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है. इस खेल की अगर बात करें तो आप जब खेल को समझने की जरूरत है, अगर आप बेहतर करेंगे तो आगे बढ़ोगे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार गेंदबाजी करने के लिए. अब 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है. अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेले, गेंद तेजी के साथ ट्रैवल होती हुई ऑन साइड पर, एक वहां खिलाड़ी मौजूद दूसरे के लिए आना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया रनिंग मिड द विकेट. इसी तरह से कुल मिलाकर रन संख्या अब बढ़ती हुई 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. यह क्रूशियल मैच है दोनों टीमों के लिए, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, अब 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदों का खेल अब शेष और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है. रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 13.9 का रन रेट यहाँ चाहिए, टारगेट है 46 का. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इस वक्त निखिल, पहली गेंद पर जो कि 2 रन बनते हुए. और बल्लेबाजों की अगर बात करें तो यहाँ 2 बल्लेबाज, एक तरफ प्रीतेश है और दूसरी तरफ महेश. महेश ने 2 रन बनाए हैं इस ओवर की अगली गेंद. राइट हैंड राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत अच्छा शॉट बल्ले के बीचों बीच, लेकिन कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, तेजी के साथ गेंद आती हुई सुंदर. ऑफ स्टंप के बाहर धीमी रफ्तार की गेंद थी, थोड़ा शरीर से दूर खेले थे, लेकिन गेंद कवर की तरफ जाती हुई. रन संख्या कुल मिलाकर अब बढ़ती हुई 3 विकेट के नुकसान पर 23 रन, 23 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट. अब 10 गेंदे और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है. एक आस्किंग रन रेट जो है बहुत बढ़ता हुआ 13.80 का हुआ है. एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए निखिल तैयार.
एक तरफ महेश और दूसरी तरफ प्रीतेश, ये बहुत बढ़िया गेंद थी। टप्पा खाने के बाद सीधी रहते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, गलत शॉट खेलते हुए लेग स्टंप के बाहर जाकर शरीर का संतुलन नहीं बना पाए और इसी तरह से बिंदी गेंद आती हुई, दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। 9 गेंदे और 23 रनों की जरूरत है और बहुत शानदार गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। निश्चित दबाव आणण्यासाठी ही जे निर्धाव चेंडू टाकलाय तो काम येईल असं मला वाटतंय। 3 चेंडू मध्ये फक्त 3 त्याने दबा दिलेत, याचाच अर्थ तो चांगली गोलंदाजी करेल उर्वरित 3 चेंडू मध्ये। दबाव आणायचा असेल तर आणखीन 1-2 चेंडू निर्धाव टाकावे लागतील। बिलकुल, अरे मनोवैज्ञानिक दबाव आहे इस मॅच की, अगर बात करें तो थोडा ज्यादा बॅकफुट पर खेळ रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज। 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर, राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार हवा में खेल दिया, तारामंडल में गेंद है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन, रडार में गेंद थी, खराब गेंदबाज, एक बहुत अच्छी गेंद के बाद खराब गेंद और उसको बहुत खूबसूरती के साथ नसीहत देते हुए गेंद जाती भी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। दैट्स द ब्यूटीफुल शॉट, देखिए किस तरह से खेले हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये फुल टॉस गेंद है, रडार में थी, हाथ खोलने का मौका था, पूरी ताकत लगाई और गेंद को खेल दिया इस बार मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। दैट्स द ब्यूटीफुल शॉट, ये देखिए गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया छक्का। कुल मिलाकर अगर देखें 29 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। प्रीतेश के अंदर 9 पर 8 गेंदों का खेल बचा हुआ और 17 रनों की जरूरत है। लेट टर्म राउंड कर एक बार फिर, बहुत बढ़िया गेंद ऑफ टर्म के बाहर थी और एक बार फिर लेग स्टंप से आ गया है। एक बार फिर मौका मिला गेंदबाज को अपने जोहर दिखाने का, सुंदर गेंदबाजी। गेंदबाज ने कहा एक तेरी है तो एक मेरी भी है, आणि हे चातुर्य दाखवले गोलंदाजाने, कारण फलंदाज बघितलं अगोदरच पुढे आलाय, त्याच्यामुळे गोलंदाजाने आपलं जे लय होती ती लय मध्ये चेंजेस केला, बदलाव केला आणि थोडासा चेंडू आखूळ ठेवलाय। बिल्कुल, और ऑफ स्टंप के बाहर रखते हुए इसका फायदा मिला और बल्लेबाज लेग स्टंप से आगे आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि थोड़ा रूम मिला, ज्यादा यहाँ गैप बना, शरीर से दूर खेले और इसका फायदा मिलता हुआ गेंदबाज को। 7 गेंदे और जीतने के लिए यहाँ चाहिए और 17 रन, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, 7 गेंदों का खेल बचा हुआ, 17 रनों की जरूरत है। 2017 का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ चल रहा है, आज का दूसरा दिन, दर्शक यहाँ भारी संख्या में मौजूद। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यहाँ ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ खेले, गेंद तेजी के साथ ट्रैवल, यहाँ खिलाड़ी मौजूद, बद्दू ने इस गेंद को उठाया है। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ और जीतने के लिए अभी भी 16 रनों की जरूरत है। दबाव है, इस दबाव में बेहतर करने की जरूरत है। हमारी जिंदगी सैंडी वीडियो गेम जैसी है, हम एक लेवल को पार करते हैं तो दूसरा लेवल बहुत कठिन हो जाता है, उसी तरह से देखिए अब 6 गेंदों का खेल बचा हुआ और 16 रनों की जरूरत है। यहां से दबाव है, दबाव में कुछ लोग निखरते हैं और कुछ लोग बिखरते हैं, अब क्या होगा, 6 गेंदे और 16 रनों की जरूरत है। आय थिंक 16 धावांची गरज आणि अशा वेळेस चांगली फलंदाजी करावी लागेल, कारण जे जबाबदारी आहे, जबाबदारीला साजेसा खेळ करावा लागेल प्रीतेशला, प्रीतेश सुद्धा आपली जबाबदारी ओळखून आहे आणि त्याला साथ देत असताना महेश ह्याने सुद्धा चांगला फटका खेळावा लागेल, कारण आपल्याकडे एकतर वेळ कमी आहे, चंडू कमी आहेत आणि त्या तसा फायदा पुरेपूर घ्यावा लागेल। बिलकुल, मॅच सुरू होगा क्योंकि मी विनंती करूगा खास करके मोहन सर को, आपको विनंती आहे प्लीज मोहन सर मॅच को सुरू करना है क्योंकि वक्त बहुत कम है, जितना दम लगाना है अभी लगा लो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप जगा लो। देखिए इस वक्त टाइट मुकाबला है, क्लोज मुकाबला है, बीच मैदान पर रोमांच बरकरार है और बीच मैदान पर अभी भी ज्यादा चर्चा हो रही है, ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, लेकिन सैंडी ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक बार फिर देखिए अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, संजय गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाजों की अगर बात करें तो प्रीतेश अभी भी डटे हुए हैं, प्रीतेश और दूसरी तरफ महेश के अंदर 3 के ऊपर और प्रीतेश की अगर बात करें तो इन्होंने 2 छक्के लगाए हैं और शानदार तरीके से अपने 13 के ऊपर खेल रहे हैं। 6 गेंदे और 16 रनों की जरूरत, 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर और बालकुम और जू चंद्र के बीच एक घमासान इस बार हम देख रहे हैं। संजय की इस ओवर की पहली गेंद है, बैकवर्ड पॉइंट पर अब खिलाड़ी जाता हुआ, कवर पर है, एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी जाएगा, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट पर ज्यादा बग जा रहा है। अजीत जी थोड़ा जो कि इस बार आप संभालिए क्योंकि इस वक्त वक्त बहुत, अभी भी मैच बहुत है, शाम का समय है, संजय तैयार है, अब दबाव में आपको बेहतर करने की जरूरत है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की बहुत महत्वपूर्ण गेंद है, गेंदबाजी करने के लिए संजय तैयार, सामने है बल्लेबाज प्रीतेश, 13 के ऊपर खेलेंगे, दर्शक भारी संख्या में मौजूद, इस मैच का मजा लेते हुए अभी भी चर्चा जारी है। एक बार फिर खिलाड़ी आता हुआ जो कि इस बार क्या जगह चेंज होगी या नहीं देखने वाली बात, अब नीले जा रहे हैं
विकेट कीपर की तरफ, मतलब ये स्लिप की तरफ जाएंगे, यहां आक्रमण करने की कोई जरूरत है या नहीं देखने वाली बात है, विकेट के लिए जा रहा है, रन बना बचाने की जरूरत है, मतलब प्रीतेश का विकेट चाहिए इस वक्त, किसी भी तरह से प्रीतेश का विकेट चाहिए, इसीलिए कोशिश है एक बार फिर अपनी बॉलिंग मार पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और ये क्या खराब गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, इस बार शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, शरीर का संतुलन बनाया, गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये बहुत खराब थी, स्लिप में अगर खिलाड़ी है तो आपको आगे ही रखना था, इतनी शॉर्ट गेंद इतना समय देंगे तो बल्लेबाज कहां छोड़ेंगे, और प्रीतेश जैसे बल्लेबाज ऑलरेडी उन्होंने 2 छक्के लगाए हैं, और खराब, ये बहुत ही खराब गेंद थी, और क्या नसीहत दी है सैंडी, बहुत ही, हम देखेंगे किस तरह से ये गेंद थी एक बार फिर आपको बताएंगे, और आपकी तरफ भी आ रहे हैं। अब 5 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए यहां से अब 10 रनों की जरूरत है। ये खराब स्टार्ट गेंदबाज के लिए उपाय, स्लिप में खिलाड़ी सैंडी है तो आपको आगे ही रखना था, इतनी शॉर्ट गेंदबाजी नहीं करनी थी। प्रशांत जी अशा वेळेस एक वेगवान गोलंदाज ठेवायला हवा होता चौथा ऑप्शन म्हणून, मात्र तो घेतला नाही, आणि अगोदरचा जो सामना होता पहिल्या फेरीतील, त्या पहिल्या फेरीतील सामन्यामध्ये बंधू हा गोलंदाज चालला असताना हे ऑप्शन नवीन घेतलंय आणि संजय याच्यावरही जबाबदारी दिली। नो डाऊट संजय हा सुद्धा एक चांगला खेळाडू आहे आणि पहिल्या चेंडूवर त्याला षटकार आलाय, मात्र दबावमधून बाहेर निघण्याची क्षमता त्याच्याकडे सुद्धा आहे। बिल्कुल, एक बार फिर अपने बोलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर संजय, सामने प्रीतेश है जिन्होंने 3 छक्के लगाए अपने इरादे स्पष्ट करते हुए, अभी भी स्लिप है, दबाव है, दबाव में कुछ लोग नहीं करते कुछ लोग भी करते हैं, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है, राइट टर्म राउंड विकेट, ये गेंद सीधी जाती हुई और खेलने की कोई कोशिश नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, पहली गेंद पर छक्का आता हुआ, दूसरी पर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिंदी गेंद आती हुई, एक बार फिर क्या कमबैक किया है गेंदबाज ने, अब जाकर क्या होगा देखने वाली बात। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे संजय, सामने बल्लेबाज अभी भी प्रीतेश, 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत है, अब स्लिप का खिलाड़ी हटता हुआ वो जाएगा बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, ये सही है, रन बचाने के लिए जाना बहुत जरूरी इस वक्त, राइट टर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए एक बार, बहुत ही बढ़िया, इस तरह से आगे रखना था, बहुत शॉर्ट रखा तब बल्लेबाज ऑलरेडी बैकफुट पर है, इस तरह की गेंदबाज गेंद को खेलने के लिए 3 गेंदे और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि मैच 50-50 वाला है, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। एक बार फिर देखिए कल इसी तरह का मुकाबला जो कि शाम में हुआ था, पैसा वसूल क्रिकेट, और आखिर के गेंद पर मेरे हिसाब से जो 2-10 का मैच था अब 3-10 का मैच है, वही है दम जो कि है लगाना है, 10 का ही दम लगाना है, और क्रिकेट में जो कि इस मैच में क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। एक बार फिर अपने बोलिंग मार्ग पर राइट टर्म राउंड द विकेट गेंद, बहुत बढ़िया ऑन साइड पर हवा में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है, शॉट भी टेकन, यस इट इज गॉन, ये अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, प्रीतेश का विकेट, बहुत बड़ा शिकार मिला है, और इसी तरह से इस बार बड़ी बचनी जाल में फंसी है। एवढंच मी म्हटलं की क्षमता आहे, जरी संजयला षटकार लागला असला तरी त्याच्याकडे क्षमता आहे कमबॅक करण्याची, आणि त्याने केलंय, बघा शेवटचे जे 3 चेंडू हाताळले नंतरचे, त्या 3 चेंडू मध्ये एकही धाव न देताना 1 फलंदाज बाद केलाय, आता मात्र पगडा भारी वाटतोय तो द ग्रेट मराठा जुचंद्र या संघाचा। बिल्कुल, देखिये किस तरह से इन्होंने उंगलिया फेर दी, ऑफ स्टंप के बाहर से थोड़ी अंदर की तरफ आई और ऑन साइड पर खेले, ज्यादा रूम नहीं मिला और हाथ खोलने का मौका नहीं मिला, पहली गेंद बहुत छोटी थी, ये थोड़ी धीमी रफ्तार के साथ आई और सही जगह पर इस बार खिलाड़ी मौजूद था उनके हाथ में जाते हुए, देखिए इनका गुस्सा देखिए, पहले देखिए एक बार फिर उनके चेहरे की तरफ अगर देखिए, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, सेलिब्रेशन तो क्या, देखिए एक बार फिर वही राइट टर्म राउंड द विकेट, एक बार फिर ये उंगलियां फेर दी थी, नकल की थी और शॉर्ट टर्म पुल करने का प्रयास किया था, उसके बाद में आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से इस बार ये खिलाड़ी है, सीधा हाथ में कैच आया बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद में ये रिएक्शन देखिए, ये चाहिए मुझे किसी भी तरह से चाहिए, युवा क्रिकेटर है, और अब पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन अब देखिए 2 गेंदे 10 रनों की जरूरत है, अभी भी मैच है समाप्त नहीं हुआ, आठवणी ताजा होतील काय, बिल्कुल हिस्ट्री है, ऐसा नहीं कि अपने पास इतिहास नहीं, इसी मैदान पर इतिहास है, लेकिन हीरो बनने का मौका एक तरफ है संजय के पास, हीरो भी बन सकते हैं जीरो भी बन सकते हैं, दूसरी तरफ नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आए हैं, रोहित और महेश अभी भी डटे हुए हैं, और स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज महेश 3 के ऊपर खेल रहे हैं, हीरो बनने का मौका दोनों तरफ है, 2 गेंदे 10 रनों की, ये जो ओवर है जिसमें कि ये जो गेंद है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आर्म, और यहाँ अच्छा शॉट बल्ले के बीचों बीच गेंद बॉडी की तरफ और 6 रन, मैंने पहले ही कहा था कि मैच समाप्त ऐसे ही नहीं होगा,
चार या छह देखते हैं इसी तरह से गेंद बॉडी लाइन के बाद छह रनों के लिए, दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए, मुझे अभी भी लग रहा है कि ये शरीर से थोड़ा दूर खेले थे, रिप्ले में आपको बताता हूं, लेकिन मैच अच्छा है। इसी अगर एक गेंद और चार रनों की जरूरत है, कंपलसरी चार रन बनाने हैं, तो मेरे हिसाब से यहां से जो टीम जीतेगी, नाम क्या है, जितेश भोईर की तरफ से छक्के के लिए ₹100 का इनाम मिला है, लेकिन यहां से क्रिकेट की जीत होगी। बहुत अच्छा मैच, दोनों तरफ मैच है, 50-50 वाला मैच, अच्छा मैच बीच मैदान पर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मैच बनाया इन दोनों बल्लेबाजों ने, काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वहां पे बल्लेबाज महेश। अभी एक गेंद और जीत के लिए चार रनों की जरूरत, और रिक्वायर्ड रेट 24 का होता हुआ बहुत बहुत है, करंट रेट 10 का है, लगभग 11 का है। बहुत खूबसूरती के साथ ये मैच जो कि आगे जाता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, संजय एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट टॉप राउंड द विकेट, ये बहुत बढ़िया गेंद हवा में खेल दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी मौजूद और सुंदर फील्डिंग, वही खिलाड़ी है दूसरे के लिए आना चाहते हैं, इसी तरह से दो रन मुकम्मल, तीसरे के लिए नहीं आएंगे, और इसी तरह से संजय हीरो बनते हुए, लेकिन मैच अच्छा हुआ। मैं दर्शकों को विनती कर रहा हूं कि अगर अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजाइए, बहुत ही अच्छा मैच, पैसा वसूल क्रिकेट, जैसे कि कल हमने समाप्त किया था शाम को, उसी तरह से एक बार फिर उसी शाम की तरफ हम जा रहे हैं, और ये आने वाली शाम मेरे हिसाब से संजय के नाम रही है। मैच अच्छा हुआ, क्रिकेट की सैंडी जीत हुई है। या ठिकाणी अतिथी कक्षाकडे सुद्धा नजर टाकूया, विजय स्पोर्ट्सचे कर्णधार ओळा परिसरातील एक नामी व्यक्ती आदरणीय विजय ठाकूर साहेबांचं अतिथी कक्षामध्ये आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही शब्दसमुनाने स्वागत करतोय। वेलकम सर, कैलासवासी नारायण भोरी भोईर अण्णा चषक 2017 मध्ये आम्ही आपलं शब्दसमुनाने स्वागत करतोय, त्यांच्या सोबतच आपण बघताय आदरणीय भीमराव म्हात्रे एक सर हे सुद्धा दाखल झाले, त्यांचं सुद्धा आम्ही स्वागत करतोय। खरोखरच या प्रमुख अतिथी येत आहेत आणि या टुर्नामेंटची शोभा वाढवताना दिसत आहेत। प्रशांतजी, मॅन ऑफ द मॅच और टॉस टाइम, दो बातें होगी, मॅन ऑफ द मॅच